हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइज हो रहा है अंधेरा, तो हम उड़ाने वाले अंधेरे में लाइट काइट, नाइट पतंग, और इसको बोलते हैं लाइट काइट, नाइट में उड़ने वाली पतंग। हाँ गाइस, जब हम इसे उड़ा दें और ये किसी आप में से किसी के घर पे आके गिरे तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ अंतिमा ये मेरे घर पे आके गिरा। और हाँ क्या गया, कोई ना किसी के घर पे जाके नहीं गिरेगा क्योंकि थोड़ी दूर जाएगा फिर जाके फिर अपने आप किसी के तो घर पे गिरेगा ही, ऐसे कि आसमान में रहेगा। तो गाइस जो हम पतंग उड़ाते हैं उसकी डोर वो चाइनीज डोर होती है, तो डोर से सावधान रहिए, उससे उंगली पे कट सकती है। और ये भी प्लास्टिक वाला धागा होता है ना, उससे आजकल प्लास्टिक वाले धागे बहुत यूज हो रहे हैं पतंग उड़ाने में, तो उसका ध्यान रखें। तो प्लास्टिक वाला धागा यूज ना करें, अपना जो नॉर्मल धागा आता है ना उसका यूज करें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो ऐसे उड़ने वाले हैं, चलो इसकी ओपनिंग करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सभी अपने अपने उड़ाएंगे वन बाय वन, एक साथ उड़ाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक कार्बन क्या बोलते हैं उसको, कार्बन ही बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन मोमबत्ती, मोमबत्ती ये कपूर, कपूर सॉरी कपूर, कपूर की गट्टी। मेरा सबसे पहला है वाइट कलर का रहना था ना। हाँ मेरे को वाइट कलर अच्छा लगता है। देखो ये वाइट ऐसी होती है। मेरे वाले में दो आए, देखो एक ये छोटा आया और एक ये आया, सभी वाले में एक ही है। देखो ये वो टूट गया, टूटा नहीं देख लो, इतना है आपका भी मैच करके देख सकते। इसको आराम से खोलना, आराम से आराम से, अरे तो क्या फट जाएगा, फट जाएगा, हवा भर ले। ये देखो गाइस कितना बड़ा ये रह गया, मेरे से बड़ा है दिख रहा है मेरे को तो जेब में डाल क्या देखो तेरे तो इसके अंदर आ जाएगी ना मुझे, फिर मुझे उड़ा दे। पूजा का थोड़ा ध्यान रखना, पूजा साथ में। सभी के बैलून की अनबॉक्सिंग हो चुकी है एंड सभी ने रेडी कर लिया है ये कपूर लगाकर। तो इसको अपन ऊपर से पकड़कर ऐसे रखेंगे और नीचे से माचिस की तिली लगाएंगे जिससे आग लगेगी। आग लगने के बाद इसके अंदर स्मोक बनेगा, धुआं बनेगा, धुएं से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले किसका भेजते हैं, सभी का साथ में कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है पर आओ आप इसको, पापा जी आप मेरा कौन पकड़ेगा फिर, पापा जी मैंने पकड़ लिया। पहले एक को दिखा देते, पहले एक का ठीक है, ये देखो आराम से पकड़ लो, ऊपर बाबू आसु ऊपर पापा जी का, बहुत सारी तिलियां लगने वाली है। हिलाओ मत गैस बनेगी, लगा पहले हिला मत, चल रहा है हवा चल रही है। रुको पापा जी अभी लाइटर नहीं है क्या, लाइटर से नहीं हो जाएगा बस एक बार इसके अंदर गैस डल जाएगी। हो जल गया ओके इधर से बैठ, चल गया अभी ये उड़ने वाला है, फर्स्ट बैलून उड़ने वाला है इस तरफ एक से। अरे मैं कितनी एक्साइटेड हूं इसे देखने के लिए, अपने पता बैलून रेडी हो गए पापा जी, अभी अलग हो गया, दूसरा हो गया, दोनों साथ हो गए, नीचे मत रख उधर ले जाओ, उधर दोनों इधर, इसको ऊपर से ऐसे मत छोड़ो, दोनों हां चल जी इसको पकड़ना, गया साइड पकड़ना, कौन आया अभी ऊपर उड़ने वाले, दोनों बैलून रेडी हो चुके हैं। हां ठीक है थैले के बुझा, बस ऊपर जा तो ऐसे खुश हो रहा है, ठीक है उड़ रहा है कुणाल अपने आप, नहीं रुको अभी बाय मार, अरे ऐसे सीधा कर तो, हां करता हूं दोनों गए हो रहा है, बन गया थोड़े को छोड़ना, नहीं रुको नहीं बना आप वाले छोड़ो 1 2 3 गो, एक बलून गया, वो गया बिल्कुल ना, छोड़ो ये भी जाने वाला इधर आओ लाइट वाला, नहीं पकड़ जा रहा है, गत्तर सुना के थे ना, छोड़ना जा रहा वाह मेरे वाला कितना तीसरा बैलून गया, देखो कैसे
के बाकी बैलून रेडी हो रहे हैं। हाथ में छूट कर चला गया, देखो अरे भी जा रहा है, ये भी जाने दो, ये भी जा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लाइन 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 आग ना लगे। अभी एक दो बैलून तो इस तार में अटक गए, क्योंकि अच्छा हुआ यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे बिजली के तार तो फिर थोड़ी बहुत आग भी लग सकती थी। तो थैंक गॉड अच्छे से आराम से निकल गए। तो गाइज आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, एंड आराम से पतंग उड़ाना आप लोग, और धागे का ध्यान रखें, प्लास्टिक वाला धागा यूज ना करें, और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी।